चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स क्या होते हैं, और उसको टेक्निकली मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड करा था, जिसमें एक का नाम था कंपोनेंट्स एंड फ्लो ऑफ ए सिस्टम। ठीक है जी। दूसरा कलर हमारे पास था आपके पास, दूसरा टॉपिक था हमारे पास आपका यूजर इंटरफेस, तीसरा था डेटा एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, चौथा था हमारे पास डिटेल सिस्टम प्रोसेस। फिर मैंने कहा था ये चार हमारी मेजर हेडिंग्स हैं, इन चार मेजर हेडिंग्स के अंदर मल्टीपल तरह के एग्जांपल्स हमें स्टडी करने पड़ेंगे, मल्टीपल तरह के एग्जांपल्स की बात करेंगे। 10 तरह के एग्जांपल्स थे, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्लो चार्ट के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था, फ्लो चार्ट के कॉम्पोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था कि आखिरकार फ्लो चार्ट हमारे पास क्या होता है, ये टॉपिक हमने डिस्कस करा था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी टेक्निकल है, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, डेटा डिक्शनरी का नाम दिया हुआ है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो स्टडी करने जा रहे हैं, उसका नाम है डेटा डिक्शनरी। ठीक है जी। तो आइए डिस्कस करते हैं डेटा डिक्शनरी हमारे पास क्या होता है। ये भी एक टूल है जो कि हमें सिस्टम डेवलपमेंट टूल की कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है, और इस टॉपिक को अब हम डिस्कस करते हैं कि डेटा डिक्शनरी से हमारा यहाँ पे क्या संपर्क है। आप लोगों ने लाइफ में एक नाम सुना होगा डीबीएमएस। डीबीएमएस का मतलब क्या होता है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहली बात ये क्या है, हमने कहा ये अपने में एक सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट माना गया है, ये हार्डवेयर नहीं है, ये अपने में एक सॉफ्टवेयर माना गया है, और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि 4th जनरेशन लैंग्वेज में आया था, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ऑर्गेनाइज्ड सेविंग करने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर कोई पूछे डीबीएमएस क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, एक सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट होता है जो कि 4th जनरेशन लैंग्वेज में आया था, और उसका मेन पर्पस क्या था, ऑर्गेनाइज सेविंग का पर्पस था। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो हर सॉफ्टवेयर का अल्टीमेटली हमारे पास क्या होता है, एक पर्पस होता है, लक्ष्य होता है, मकसद होता है हमारे पास। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एमएस वर्ड की बात करूंगा, तो एमएस वर्ड आपके डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएट करता है, एक्सेल की बात करूंगा रिपोर्ट्स को बनाता है। उसी तरीके से अगर मैं डीबीएमएस की बात करूंगा, तो डीबीएमएस अपने में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू सेव द इन्फॉर्मेशन इन द मेमोरी इन अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड मैनर। डेटा को तमीज से अगर हमें मेमोरी में सेव करना है, तो मेमोरी में सेव करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। सॉफ्टवेयर का नाम है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम डीबीएमएस है। अब अगर मैं डीबीएमएस के एग्जांपल्स की बात करूंगा, तो शायद आपने ओरेकल का नाम सुना होगा अपनी जिंदगी में, शायद आप लोगों ने साइबेस का नाम कभी शायद लाइफ में सुना हो, या आप लोगों ने एमएस एक्सेस का नाम अपनी ज़िंदगी में सुना हो। अगर हम डीबीएमएस की बात करेंगे, तो ओरेकल अपने में सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर माना गया है। अगर हम डीबीएमएस की बात करेंगे, तो एक्सेस अपने में सबसे घटिया सॉफ्टवेयर माना गया है, और आपके आईटी टीम में आपको एमएस एक्सेस नाम का सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है। अफसोस, वो भी आपको ढंग से नहीं आता, यानी जो डीबीएमएस में सबसे घटिया लेवल का सॉफ्टवेयर है, वो भी आपको ढंग से नहीं आता। ओरेकल तो पता नहीं आपको कब आएगा, और आप कब सीखेंगे, और कब आप उसके दम पर पैसे कमाएंगे, भगवान जाने। तो अल्टीमेट हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा कि डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो कि 4th जनरेशन लैंग्वेज में आया है। उसका मेन पर्पस क्या है, डेटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव करना, ताकि अगर डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव होगा, तो फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, उसकी फास्ट एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, या डेटा की हम क्या कर सकते हैं, फास्ट एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं, यानी डेटा की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर डेटा आपका मेमोरी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव होगा, मेमोरी से यहाँ पे क्या मतलब होता है, हार्ड डिस्क। अगर डेटा आपका हार्ड डिस्क के अंदर ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव्ड होगा, तो फ्यूचर में उसकी प्राप्ति करना भी प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल रहेगा। तो डेटा अगर तमीज से सेव होगा, तो डेटा की प्राप्ति भी आपकी फास्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्म हो सकती है। ठीक है बच्चों। अब डीबीएमएस की अगर मैं बात करूंगा, तो इसको टेक्निकली हमने 3 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। एक का नाम है मेरे पास डेटाबेस, एक का नाम है मेरे पास मैनेजमेंट, और एक का नाम होता है मेरे पास सिस्टम। और सिस्टम से यहाँ पे क्या मतलब होता है, सिस्टम का मतलब होता है सीधा यहाँ पे, डैट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, डैट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। बताइए डीबीएमएस के कॉम्पोनेंट्स मेरे पास क्या क्या होते हैं। तो अगर मैं डीबीएमएस के कॉम्पोनेंट्स की बात करूंगा, तो बेटा बड़े सारे डीबीएमएस के कॉम्पोनेंट्स होते हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहला नाम होता है मेरे पास, वेरी फर्स्ट नेम इज डेटा डिक्शनरी। तो अगर मैं डेटा डिक्शनरी की बात करूंगा, तो डेटा डिक्शनरी अपने में क्या माना गया है, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ डीबीएमएस। ये डीबीएमएस का सबसे मेजर, सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट माना गया है। इसके अलावा और भी बड़े सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे मेरे पास एसक्यूएल होता है, या मेरे पास आपका एसक्यूएल हो गया, मेरे पास आपका यूजर्स हो गया, ठीक है, मेरे पास
डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गया, एपी का मतलब है डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गया। ऐसे मेरे पास आपका रिपोर्ट जनरेटर हो गया, ठीक है, डेटा डिक्शनरी हो गया, एसक्यूएल हो गया, यूजर्स हो गया, डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गया, रिपोर्ट जनरेटर हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास क्या माने गए हैं, दीज ऑल आर द कॉम्पोनेंट्स। किसके कॉम्पोनेंट्स माने गए हैं, दीज ऑल आर दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ डी बी एम एस, यानी अगर आपको डी बी एम एस बनाना है तो इन सारी चीज़ों को आपको एकत्रित करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। जब ये सारी चीज़ें हमारी इकट्ठी हो जाएंगी तो हमारा डी बी एम एस बन जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बोलूँ कि हमें क्या टॉपिक डिस्कस करना है तो आप क्या बोलेंगे, हमें डेटा डिक्शनरी नाम का टॉपिक डिस्कस करना है। और मैंने क्या बताया कि डेटा डिक्शनरी का जो संपर्क है किसके साथ है, डी बी एम एस के साथ संपर्क है। और डी बी एम एस अपने में क्या माना गया, सॉफ्टवेयर माना गया, किस जनरेशन में आया था, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आया था। और क्यों आया था, ताकि मेमोरी के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज वे में सेव करा जा सके। और ऑर्गेनाइज वे में सेविंग करने का बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट होता है कि डेटा की प्राप्ति फास्ट हो जाती है, डेटा का एक्सेसिबिलिटी फास्ट हो जाता है, डेटा की एक्सट्रैक्शन हमारे पास फास्ट हो जाती है। तो ये हमें एक एडवांटेज मिलता है जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज वे में सेव करते हैं। तो फिलहाल छोटा सा जवाब कि डेटा डिक्शनरी क्या माना गया, कंपोनेंट माना गया। और किसका कंपोनेंट माना गया, सीधा आपके डी बी एम एस का कंपोनेंट कायदे से हमारे पास माना गया है। तो इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ डी बी एम एस, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना जरा कि जब मैं डेटा डिक्शनरी की बात करता हूँ तो डेटा डिक्शनरी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इसकी फाउंडेशन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डेटा डिक्शनरी अपने में काफ़ी टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, तो इसको पढ़ने से पहले हमें इसकी फाउंडेशन को पढ़ना पड़ेगा। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, मेरे पास फाउंडेशन का मतलब होता है कि मेरे को सबसे पहले इसकी टेक्निकल टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा। हम टेक्निकल टर्म्स को पढ़ेंगे तब जाकर हमारे पास क्या होगा, तब जाकर हमारे पास हम डेटा डिक्शनरी की फाउंडेशन को समझ पाएंगे। तो स्ट्रेट अवे डेटा डिक्शनरी को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जब टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी तो उसके बाद आप समझेंगे कि डेटा डिक्शनरी हमारे पास होता क्या है, ठीक है बच्चों। चलो अब ध्यान देना, जब भी हम लाइफ में किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हर सॉफ्टवेयर के अंदर हमें क्या बनानी पड़ती है, फाइल बनानी पड़ती है। उसी तरीके से डी बी एम एस की अगर मैं बात करूंगा तो डी बी एम एस मेरे पास क्या माना गया, सॉफ्टवेयर माना गया है। और उस डी बी एम एस के अंदर भी मेरे पास क्या बनती है, फाइल बनती है। पर उस फाइल को टेक्निकली मैंने क्या नाम दिया, टेबल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप याद रखना कि डी बी एम एस के अंदर फाइलों को हम लोगों ने क्या नाम दिया, टेबल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। बात समझ में आ गई है, टेबल के अंदर हमेशा दो चीज़ें आती है मेरे पास, एक का नाम रो आता है और एक का नाम मेरे पास कॉलम आता है। और रो की बात करेंगे, रो को टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। और कॉलम की बात करेंगे, कॉलम को टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। या इस फील्ड के साथ इसको हमने एक और प्राइवेसी नाम दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज डेटा एट्रीब्यूट। बात समझ में आ रही है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल, टेबल के अंदर रो आता है, टेबल के अंदर कॉलम आता है। रो को रिकॉर्ड का नाम दिया, कॉलम को हमने फील्ड और डेटा एट्रीब्यूट का नाम हमने दे रखा है। तो ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है टेबल के बारे में। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने कहा यार ये मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, एक टेबल पड़ा हुआ है और ये एक एम्प्लॉई नाम का टेबल है जो कि एम्प्लॉयज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है। ये एम्प्लॉय का कोड मेंटेन करता है, एम्प्लॉय का नेम मेंटेन करता है, यह साथ साथ आपका एम्प्लॉय का एड्रेस भी मेंटेन करता है और उसका फ़ोन नंबर भी मेंटेन करता है, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉय का कोड होगा, हमने कहा एम्प्लॉय का कोड है E01, एम्प्लॉय का नाम लेटर से कुछ भी हो गया, एड्रेस कुछ भी हो गया, फ़ोन नंबर कुछ भी हो गया। और जब मैंने ये सारी जानकारी को आपस में इकट्ठा करा तो ये मेरे पास क्या बन जाता है बेटा, रिकॉर्ड बन जाता है। और इस हेडिंग को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, इस हेडिंग को हम लोगों ने यहाँ पे फील्ड का नाम दिया हुआ है, जिसका पर्यायवाची नाम इसको कॉलम भी कहते हैं, जिसका पर्यायवाची नाम इसको डेटा एट्रीब्यूट भी कहते हैं। और रिकॉर्ड का प्राइवेसी नाम मेरे पास क्या होता है, रो होता है। तो इस पूरी फाइल को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, इस पूरी फाइल को टेक्निकली हम लोगों ने सीधा आपके टेबल का नाम यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि डी बी एम एस के अंदर जो फाइल बनती है उसको फाइल नहीं कहते, फाइल कहना पाप होता है, उसको हम टेबल कहते हैं। और टेबल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रो एंड कॉलम का जिक्र होगा, जहाँ पे रो एंड कॉलम का स्पेसिफिकेशन होगा। रो का मतलब रिकॉर्ड से है और कॉलम का मतलब यहाँ पे फील्ड से है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी इस टेबल के बारे में। अब ध्यान देना, मैं आपको टेक्निकल बातें बता रहा हूँ ताकि डेटा डिक्शनरी आपको समझा सकूँ। टेबल जो हमारे पास होते हैं बेटा, वो दो तरह के होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है मेरे पास
सिस्टम डिफाइंड टेबल, और दूसरे का नाम मेरे पास होता है दैट इज यूजर डिफाइंड टेबल। अगर मैं टेबल की बात करूंगा तो टेबल कितने तरह की होते हैं हमारे पास, दो तरह की होते हैं, जिसमें एक का नाम है सिस्टम डिफाइंड टेबल और एक का नाम है मेरे पास यूजर डिफाइंड टेबल। तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेबल, एक का नाम है सिस्टम डिफाइंड टेबल और एक का नाम है यूजर डिफाइंड टेबल। अगर मैं सिस्टम डिफाइंड टेबल की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या है, इट इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, और सॉफ्टवेयर का मतलब यहां पे क्या है, डीबीएमएस। वो टेबल जो कि डीबीएमएस हमें खुद प्रोवाइड करेगा, वो टेबल जो कि डीबीएमएस हमें बने बनाए प्रोवाइड करेगा, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, सिस्टम डिफाइंड टेबल का नाम दिया हुआ है। और यूजर डिफाइंड टेबल का मतलब क्या होता है, हमने कहा इट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स पर आधारित है, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स पर बेस्ड है। तो अगर मैं सिस्टम डिफाइंड टेबल की बात करूंगा तो मैंने क्या बोला, सिस्टम डिफाइंड टेबल इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, और अगर मैं यूजर डिफाइंड टेबल की बात करूंगा इट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल्स की जो रिक्वायरमेंट है, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार जब मैं टेबल बनाऊंगा तो उसको यूजर डिफाइंड टेबल का नाम दिया, और जो टेबल हमें डीबीएमएस नाम का सॉफ्टवेयर खुद प्रोवाइड करेगा उसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, सिस्टम डिफाइंड टेबल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। जब भी हमें टेबल को क्रिएट करना होता है, कान खोल के सुनना, जब भी हमें टेबल को क्रिएट करना होता है तो सबसे पहले हमें टेबल का ढांचा क्रिएट करना पड़ता है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। जब भी हमें टेबल को क्रिएट करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, टेबल का ढांचा क्रिएट करना पड़ता है, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। और टेबल के स्ट्रक्चर को जब हम क्रिएट करेंगे तो उसमें बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी मेरे पास, जैसे सबसे पहले मेरे पास क्या चीज़ आएगी, फील्ड का नाम, दूसरा मेरे पास आएगा फील्ड का साइज, तीसरी चीज हमारे पास आएगी फील्ड का डेटा टाइप, और चौथा चीज बेटा मेरे पास आएगा फील्ड का कंस्ट्रेंट। हमने कहा जब भी टेबल का ढांचा क्रिएट करना है तो हमारे पास ये चार चीजों को स्पेसिफाइड करना पड़ता है, फील्ड का नाम हो गया, फील्ड का साइज हो गया, फील्ड का डेटा टाइप हो गया, और फील्ड का कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है। नहीं, फील्ड का नाम हो गया, फील्ड का साइज हो गया, फील्ड का डेटा टाइप हो गया, फील्ड का कंस्ट्रेंट हो गया। नेम से मेरा क्या मतलब होता है, नेम का मतलब होता है मेरे पास हेडिंग गिवन टू अ पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है। फील्ड के साइज से क्या मतलब होता है, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और फील्ड के डेटा टाइप से मेरा यहां पे क्या मतलब होता है, इट मींस नेचर ऑफ फील्ड वैल्यू, इट मींस नेचर ऑफ फील्ड वैल्यू, फील्ड का नेचर मेरे पास क्या है। और कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, इट मींस लिमिटेशंस associated with the fields, limitations associated with the field, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, constraint का नाम दिया हुआ, जो बंदिशें field के साथ लगाई जाती हैं उसको constraint कहा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है जब भी हमें टेबल क्रिएट करना है तो टेबल को बनाते समय, टेबल का ढांचा क्रिएट करते समय, स्ट्रक्चर बनाते समय हमें चार चीजों को स्पष्ट करना पड़ेगा, जिसमें एक का नाम है फील्ड नेम, एक का नाम है फील्ड का साइज, एक का नाम है फील्ड का डेटा टाइप, और एक का नाम है फील्ड का कंस्ट्रेंट। ये हमें चार चीजों को स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास काम बन सकता है, ठीक है बच्चों। अब फील्ड के नेम से मेरा यहां पर क्या मतलब, आइए एग्जाम्पल देखते हैं जरा। मैंने कहा फील्ड का नाम मेरे पास क्या आ गया, एम्प्लॉई कोड, तो ये फील्ड का नाम हो गया। फील्ड का साइज मेरे पास क्या आ गया, मैंने कहा चार, ये मैक्सिमम चार डिजिट का होगा, E001।
ठीक है, फील्ड के डेटा टाइप से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, मैंने कहा यार ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू सेव करेगा क्योंकि हम जानते हैं वैल्यू कैसी होगी E001, तो ये मेरे पास अल्फाबेट हो गया और ये मेरे पास आपके न्यूमेरिक हो गए, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, अल्फा न्यूमेरिक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो फील्ड का नाम क्या हो गया, हेडिंग गिवन टू अ पर्टिकुलर कॉलम, कॉलम की हेडिंग क्या रहेगी, साइज का मतलब मेरे पास क्या आ रहा है, साइज का मतलब आ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और डेटा टाइप का मतलब मेरे पास क्या आ रहा है, नेचर ऑफ फील्ड वैल्यू, कि फील्ड के अंदर जो वैल्यू जाएगी उसका नेचर किस प्रकार का होगा, क्या वो न्यूमेरिक होगा, क्या वो अल्फाबेट होगा या वो अल्फा न्यूमेरिक होगा, उसको हमने फील्ड का डेटा टाइप का नाम दिया हुआ है। ऐसी मेरे पास यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने यहाँ पे नल कंस्ट्रेंट लगा दिया। नल का मतलब क्या होता है भैया, नल का मतलब होता है कि यार ये फील्ड कभी भी ब्लैंक नहीं रहेगी, अगर ये फील्ड ब्लैंक रही तो बदले में क्या मिलेगा, RMSE मिलेगा, एम्प्लॉय कोड को भरना यूज़र के लिए अनिवार्य है, अगर यूज़र उसको खाली छोड़ देगा, अगर यूज़र उसको ब्लैंक छोड़ देगा तो बदले में क्या दिया जाएगा, बदले में मिलेगा एरर मैसेज, और इस तरह की बंदिशों को हमने क्या नाम दिया, नल कंस्ट्रेंट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है जब भी हमें टेबल का ढांचा क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल के ढांचे में चार चीज़ों को स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, जिसमें एक का नाम हो गया फील्ड का नाम, फील्ड का साइज, डेटा टाइप, और साथ में मेरे पास क्या आ गया, कंस्ट्रेंट। ये चार तरह की हरकतों को स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास काम हो पाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने बेसिकली डेटा डिक्शनरी पढ़ना था, और डेटा डिक्शनरी को पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसका बैकग्राउंड पढ़ा, बैकग्राउंड को हम लोगों ने क्या नाम दिया, फाउंडेशन का नाम दिया, और फाउंडेशन में हमने क्या सीखा कि यार डेटा डिक्शनरी किसका कॉन्सेप्ट माना गया, हमने कहा DBMS का कॉन्सेप्ट माना गया, DBMS का कॉम्पोनेंट माना गया, DBMS के अंदर क्या होती हैं फाइलें, फाइलों को हमने क्या नाम दिया टेबल, और टेबल कितने तरह की होते हैं, दो तरह की होते हैं, एक का नाम सिस्टम डिफाइंड टेबल था मेरे पास, सिस्टम डिफाइंड टेबल, और एक का नाम था मेरे पास डैट इज यूजर डिफाइंड टेबल। और जब भी टेबल का ढांचा क्रिएट करना है तो सबसे पहले टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, टेबल के स्ट्रक्चर को बनाने में हमें चार चीज़ों को स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, फील्ड का नाम हो गया, फील्ड का साइज हो गया, डेटा टाइप हो गया, और फील्ड के कंस्ट्रेंट हो गए। तो अल्टीमेटली ये सारी बातें हमें स्पष्ट करनी पड़ेंगी, स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, तब जाकर हमारे पास सारा का सारा काम हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तब जाके हमारे पास सारा का सारा काम हो पाएगा। तो ये सारी हमारे पास क्या थी, फाउंडेशन थी, टेक्निकल टर्म्स थी। अब हम यहाँ पे सीखना चाहेंगे कि बताइए कि आखिरकार डेटा डिक्शनरी हमारे पास क्या होता है, अब हम इसको डिफाइन करने की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ DBMS, ये DBMS का पार्ट है, एक्सेल का, वर्ड का, पावर पॉइंट का पार्ट नहीं है, DBMS का पार्ट है। ठीक है बेटा, दूसरी बात हमने कहा इट इज अ सिस्टम डिफाइंड टेबल, यानी कहने का मतलब है ये जो टेबल है ये DBMS नाम के सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोवाइड करा गया है, ये हमारे द्वारा जनरेट नहीं करा जाता, यूज़र के द्वारा क्रिएट नहीं करा जाता, ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड के द्वारा क्रिएट नहीं करा जाता, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि DBMS के द्वारा ही प्रोवाइड करा जाता है। ठीक है, तो इट इज़ अ सिस्टम डिफाइंड टेबल, ये हमारा सिस्टम डिफाइंड टेबल है, राइट। और इसके बाद मैंने क्या बोला, रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिस्टम डिफाइंड टेबल एंड यूजर डिफाइंड टेबल, ये सिस्टम डिफाइंड टेबल और यूजर डिफाइंड टेबल के बारे में जानकारी मेंटेन करता है। जब मैं कह रहा हूँ कि डेटा डिक्शनरी सिस्टम डिफाइंड टेबल है तो उसका मतलब क्या है, इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सिस्टम डिफाइंड टेबल। DBMS ने मान लो 100 टेबल खुद बनाए हैं तो 100 के 100 टेबल क्या हो गए, सिस्टम डिफाइंड टेबल हो गए, उसमें से एक टेबल है जिसका नाम क्या है, डेटा डिक्शनरी। इधर देखो, मैंने कहा हमारे पास 100 सिस्टम डिफाइंड टेबल पड़े हुए हैं और 200 यूज़र डिफाइंड टेबल पड़े हुए हैं, तो टोटल टेबल कितने हो गए, 300 टेबल हो गए। इस सिस्टम डिफाइंड टेबल में एक टेबल का नाम मेरे पास क्या, डेटा डिक्शनरी, जो क्या करेगा, जो बाकी बचे कुछ टेबल्स के बारे में जानकारी मेंटेन करेगा, यानी अर्थात 299 टेबल्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मेंटेन करेगा, क्योंकि टोटल 300 टेबल थे जिसमें से एक टेबल तो डेटा डिक्शनरी हो गया मेरे पास, एक टेबल डेटा डिक्शनरी हो गया, तो वो डेटा डिक्शनरी क्या करेगा, बाकी बचे कुछ सिस्टम डिफाइंड टेबल और बचे कुछ यूज़र डिफाइंड टेबल के बारे में इन्फॉर्मेशन मेंटेन करेगा, बचे कुछ सिस्टम डिफाइंड टेबल के बारे में और यूज़र डिफाइंड टेबल के बारे में जानकारी को मेंटेन करने के लिए सक्षम है, रिस्पॉन्सिबल है। अब सवाल ये उठता है कि ये किसके बारे में इन्फॉर्मेशन मेंटेन करेगा, किसके बारे में जानकारी मेंटेन करेगा,
ठीक है, हमने कहा ये जानकारी तो मेंटेन करेगा सिस्टम डिफाइंड टेबल के बारे में, यूजर डिफाइंड टेबल के बारे में, पर यूजर डिफाइंड टेबल के बारे में और सिस्टम डिफाइंड टेबल के बारे में किसके बारे में इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा, अब ये जानना हमारा जरूरी है, राइट। तो हमने क्या बोला, इट मेंटेन्स द इंफॉर्मेशन, इट मेंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ये टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा, सच एज फील्ड नेम, फील्ड साइज, फील्ड डेटा टाइप एंड फील्ड कंस्ट्रेंट। फील्ड का नाम हो गया, फील्ड का साइज हो गया, डेटा टाइप हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया, तो ये बेसिकली उनके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा। इट मेंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ढांचा ऑफ द टेबल, यानी सिस्टम डिफाइंड टेबल हो गया, यूजर डिफाइंड टेबल हो गया, उनके ढांचे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा, ठीक है जी, राइट। तो इट मेंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल सच एज फील्ड नेम, फील्ड साइज, डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट। हर टेबल के नाम के बारे में, साइज के बारे में, डेटा टाइप के बारे में, कंस्ट्रेंट के बारे में अगला जानकारी मेंटेन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इट ऑल्सो मेंटेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परमिशन ऑफ द टेबल्स, इट ऑल्सो मेंटेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परमिशन ऑफ द टेबल, यानी कहने का मतलब ये है कि यार डेटा डिक्शनरी ये जानकारी मेंटेन करेगा कौन सा यूजर कौन सी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, ध्यान देना जरा क्या मतलब है इस पॉइंट से। हमने कहा इट ऑल्सो मेंटेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परमिशन ऑफ द टेबल, परमिशन ऑफ द टेबल से क्या मतलब है ध्यान देना, ये कंपनी का एनवायरनमेंट है हमारे पास, और कंपनी के इस एनवायरनमेंट में हमारे पास नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट है जहाँ पे सर्वर भी और नोड्स भी है। हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी कहाँ मेंटेन है, सर्वर के अंदर मेंटेन है, ठीक है। हमारा जितना भी डेटा पड़ा हुआ है वो सारा का सारा कहाँ पड़ा हुआ है, सर्वर के अंदर पड़ा हुआ है। और ये मेरे पास मल्टीपल लोग हैं, जैसे मान लो यहाँ पे CA बैठा हुआ है, यहाँ पे CS बैठा हुआ है, यहाँ पे MD बैठा हुआ है, यहाँ पे CMA बैठा हुआ है, यहाँ पे क्लर्क बैठा हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल बैठा हुआ है, तो सारी जानकारी हमारी इस सर्वर के अंदर पड़ी है। तो कल को अगर आर्टिकल हमारा कोई फाइल एक्सेस करना चाहता है, किसी टेबल को अगर एक्सेस करना चाहता है, तो आप क्या समझते हैं, क्या वो हर तरह की हरकत कर सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो हर तरह की हरकत नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? स्वाभाविक सी बात है, आर्टिकल है भैया, तेरे को परमिशन कम मिलेगी। CA ज़्यादा जानकारी एक्सेस कर सकता है, CS ज़्यादा जानकारी एक्सेस कर सकता है, CMA या MD वाले बंदे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टिकल्स, तो आर्टिकल को परमिशन कम मिलेगी। तो आर्टिकल कितनी जानकारी एक्सेस कर पाएगा, क्या वो उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को ऐड कर पाएगा, मॉडिफाई कर पाएगा, डिलीट कर पाएगा या केवल रीड कर पाएगा, ये सारी जानकारी कहाँ मेंटेन्ड होगी? ये सारी की सारी जानकारी डेटा डिक्शनरी के अंदर मेंटेन्ड होगी। क्या आर्टिकल, मान लो आर्टिकल नाम का आदमी एक टेबल को एक्सेस करना चाहता है, उस टेबल का नाम है एम्प्लॉई टेबल, ठीक है। अब एम्प्लॉई नाम के टेबल के अंदर अगला ऐड करेगा कि मॉडिफाई करेगा कि डिलीट करेगा या केवल रिकॉर्ड को रीड करेगा, ये सारी की सारी जानकारी कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? ये सारी की सारी जानकारी आपके डेटा डिक्शनरी के अंदर रिकॉर्ड होगी। इसलिए हमने बोला कि डेटा डिक्शनरी ऑल्सो मेंटेन्स द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द परमिशन ऑफ द टेबल, कौन सा बंदा किस टेबल को किस लेवल तक एक्सेस कर पाएगा, वो जानकारी सारी की सारी आपकी यहाँ पर मेंटेन्ड है। क्लियर है बात सभी को, राइट? अच्छा, नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं, दस डेटा डिक्शनरी इज इंप्लीमेंटेड टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर।
डेटा डिक्शनरी इज इम्प्लीमेंटेड इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर. ये नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास कि डेटा डिक्शनरी हमारा इम्प्लीमेंट करा जाता है ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए. अब इससे यहाँ पे क्या लॉजिक है देखिए, जब आर्टिकल ने बोला कि मेरे को एम्प्लॉई नाम की फाइल चाहिए तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर के पास जाएगी. सर्वर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सर्वर के अंदर DBMS नाम का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है और DBMS के अंदर क्या पड़ा हुआ है, डेटा डिक्शनरी पड़ा हुआ है. तो डेटा डिक्शनरी क्या करेगा, चेक करेगा कि आर्टिकल नाम का बंदा क्या एम्प्लॉई नाम की टेबल के अंदर ऐड कर पाएगा, मॉडिफाई कर पाएगा, डिलीट कर पाएगा, रीड कर पाएगा, क्या कर पाएगा. तो उसने बेसिकली क्रॉस एग्जामिन करा कि इस बंदे को क्या परमिशन अवेलेबल है, उसने चेकिंग करा, उसने एग्जामिनेशन करा कि क्या परमिशन अवेलेबल है. और इसलिए इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया, सीधा आपके ऑडिट प्रोसीजर का नाम दिया हुआ है कि डेटा डिक्शनरी की मदद से हम ऑडिट के प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर पाएंगे. और ऑडिट का मतलब तो आपको पता ही होता है हमारे पास, ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. आपके अगर CA के ऑडिट की बात करेंगे तो उसका मतलब तो आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से कंसर्न होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर अर्निंग प्रॉफिट और अकरिंग लॉसेस विद द पर्पस टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड द ओपिनियन हैज टू बी ट्रू एंड फेयर. ये आपको सारी जानकारी पता है. पर फिलहाल यहाँ पे हम जनरल टर्म में बात कर रहे हैं कि ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन करना, ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग करना. और हम डेटा डिक्शनरी की मदद से चेक कर सकते हैं कि जो हमारा आर्टिकल नाम का एम्प्लॉई है वो किस लेवल की फाइल को आपका एक्सेस कर पाएगा या एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो सारी जानकारी हमारे पास मिल जाएगी. ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास एक और पॉइंट हो गया जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करा. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है 10 इट इज ऑल्सो नोन एज मेटा डेटा विच मीन्स 10 इट इज ऑल्सो नोन एज मेटा डेटा विच मीन्स डेटा अबाउट डेटा. हमने कहा डेटा डिक्शनरी को हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, इसको हम लोगों ने एक और नाम दिया हुआ है 10 इट इज ऑल्सो नोन एज मेटा डेटा. ये बड़ी जानदार चीज है बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज मेटा डेटा विच मीन्स डेटा अबाउट डेटा. डेटा डिक्शनरी अपने में क्या माना गया, सर टेबल माना गया है. और ये क्या कर रहा है, अपने बारे में जानकारी मेंटेन करता है कि दूसरे टेबलों के बारे में जानकारी मेंटेन करता है. मैंने कहा दूसरे टेबलों के बारे में जानकारी मेंटेन करता है. तो जब कोई चीज़ दूसरों के बारे में जानकारी मेंटेन करती है तो उसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, मेटा डेटा का नाम दिया हुआ है. जब कोई चीज़ दूसरों के बारे में इन्फॉर्मेशन मेंटेन करती है तो उसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, मेटा डेटा का नाम दिया. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है बेटा, सारी जानकारी किसके बारे में, रिगार्डिंग आपके डेटा डिक्शनरी के बारे में. तो ये मेरे पास एक पॉइंट हो गया था, ये मेरे पास एक पॉइंट हो गया था, ये मेरे पास एक पॉइंट हो गया. तो हमने कहा डेटा डिक्शनरी टेबल की परमिशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन मेंटेन करेगा, उसकी मदद से हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं. और क्योंकि डेटा डिक्शनरी खुद एक सिस्टम डिफाइंड टेबल माना गया है जो कि दूसरे टेबल्स के बारे में जानकारी मेंटेन करता है, इसलिए उसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, मेटा डेटा का नाम यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारे पास डेटा डिक्शनरी की सारी जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई है. तो इस टॉपिक के अंदर आप लोगों ने काफ़ी सारे टेक्निकल शब्दों के बारे में सीखा है ना, आपने डेटा डिक्शनरी के बारे में सीखा कि डेटा डिक्शनरी हमारे पास क्या होता है. और बातों ही बातों में आपने थोड़ा सा DBMS के बारे में भी सुन लिया है ना, आप लोगों ने सिस्टम डिफाइन टेबल के बारे में पढ़ लिया कि वो टेबल जो कि सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं. आप लोगों ने यूज़र डिफाइंड टेबल के बारे में भी सीख लिया. आप लोगों ने फील्ड का नाम क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया. आप लोगों ने फील्ड के कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या होते हैं वो भी पढ़ लिया. फील्ड का साइज क्या होता है हमारे पास वो भी आपने स्टडी कर लिया. और फील्ड का डेटा टाइप हमारे पास क्या होता है वो भी आपने स्टडी कर लिया. ठीक है, मेटा डेटा नाम का शब्द भी आप लोगों ने डिस्कस कर लिया, मेटा डेटा हमारे पास क्या होता है. तो ये यानी कि सारी जानकारी हम लोगों ने स्टडी करी किसके बारे में, रिगार्डिंग आपके डेटा डिक्शनरी के बारे में. तो डेटा डिक्शनरी ही नहीं पढ़ा बेसिकली हम लोगों ने, टेक्निकली ये सारे के सारे आपके इतने सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टेक्निकल टर्म्स हमने इस लेक्चर के दौरान स्टडी कर ली. तो पेपर में किसी के ऊपर भी कोई सवाल आता है तो आप जवाब दे सकते हैं. प्लस आप पूरा डेटा डिक्शनरी के बारे में अगर सवाल आता है जो कि 4 नंबर का सवाल आपका आ सकता है, उसके बारे में भी आप जवाबदारी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं.
ठीक है भैया। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स हमारे पास क्या होते हैं। और बेसिकली मैंने आपको बताया था कि सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स हमारे पास चार तरह के होते हैं। चार तरह के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, 10 तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं। तो मल्टीपल तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं जिसमें फ्लो चार्ट मैंने पढ़ा दिया, डेटा डिक्शनरी मैंने आपको समझा दिया। तो ये दो टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी कर लिए, दो टॉपिक फाइनली हमारे पास यहाँ पर समाप्त हो गए। ठीक है, चलो आओ देखते हैं बाकी और कौन कौन से हैं। डेटा डिक्शनरी हम लोगों ने यहाँ पे समाप्त कर दिया, फ्लो चार्ट भी हम लोगों ने यहाँ पे समाप्त कर दिया। उसके अलावा हमारे पास ये कुछ और चीज़ें हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सूडो कोड्स हमारे पास क्या होते हैं। सूडो कोड्स हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर द इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस। देखो अभी हमने पीछे फ्लो चार्ट में क्या पढ़ा था, फ्लो चार्ट में हमने पढ़ा था कि यार हर काम का ना डायग्राम बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार ये स्टार्ट हो गया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पे रीड करवा लिया सैलरी HRA DA। फिर मेरे को टोटल सैलरी निकालना था तो मैंने क्या करा, टोटल सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस HRA प्लस DA, ये मैंने प्लस कर दिया, स्टार्ट कर दिया, इनपुट कर दिया यानी सैलरी HRA DA एंटर करवा दिया, तीनों को जमा करवा दिया। अब मैंने कंडीशन चेक करा कि क्या मेरा टोटल सैलरी जो है वो लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख है। ठीक है, 2.5 लाख है, अगर है तो टैक्स मेरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ वो डायग्राम की फॉर्म में कर रहा हूँ। तो इस डायग्राम को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया था, फ्लो चार्ट का नाम दिया था कि पहले सैलरी का HRA का DA का वैल्यू हमने एंटर करवा लिया, फिर तीनों को जमा करवा लिया, टोटल सैलरी आ गया। फिर हमने चेक करा क्या टोटल सैलरी मेरा लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख है, अगर है तो टैक्स का वैल्यू मेरे पास शून्य हो जाएगा। तो ये मैं सबको डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूँ, है ना। अब ये डायग्रामेटिकली दिखाने में दिक्कत ये होती है कि कल को अगर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो बड़े बड़े डायग्राम्स बन जाते हैं, बड़े बड़े पेजेस ख़राब हो जाते हैं, जिससे हमारा टाइम कंजम्पशन बड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर मैं अवॉइड करना चाहता हूँ या और मैं लॉजिक को स्पेसिफाइड भी करना चाहता हूँ तो मैं इसको डायग्राम की फॉर्म में ना करके बल्कि इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में परफॉर्म कर दूंगा, जिसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, सीधा सूडो कोड्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो सूडो कोड्स का नाम हमने यहाँ पे दिया है, जिसको हमने इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे हम बोलेंगे एक्सेप्ट सैलरी HRA DA, कैलकुलेट सैलरी प्लस HRA प्लस DA इफ टोटल सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख देन टैक्स इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे नोटिस करिए कि मैं जो भी लिख रहा हूँ यहाँ पे अंग्रेजी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो भी लॉजिक मैं स्पेसिफाइड कर रहा हूँ इंग्लिश की फॉर्म में कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो भी काम करा वो सारा का सारा किस फॉर्म में करा है, इंग्लिश की फॉर्म में करा, अंग्रेजी की फॉर्म में करा। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, सूडो कोड्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो जब आप किसी कॉन्सेप्ट को इंग्लिश की इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में स्पेसिफाइड करेंगे तो उसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, सूडो कोड्स का नाम दिया। तो दीज आर द इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस विच आर रिस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई द लॉजिक्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सूड इसके बारे में, दीज आर दी इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस विच आर रिस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई द लॉजिक्स। ठीक है नहीं, दीज आर द इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शन विच आर रिस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई द लॉजिक। और इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, इसको हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया, इस डेफिनेशन को हम लोगों ने नाम दिया, डैट इज नोन एज सूडो कोड्स। राइट, तो चलिए इसके साथ एक और टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो गया। 10 में से 3 टॉपिक हम लोगों ने समाप्त कर दिए, डेटा डिक्शनरी भी समाप्त हो गया, फ्लो चार्ट भी समाप्त हो गया, और ये मेरे पास आपका सूडो कोड्स भी समाप्त हो गया। राइट, अगली चीज़ जो मैडम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है डिसीजन टेबल। याद होगा CA IPCC के अंदर आपने स्टडी करा था ये डिसीजन टेबल, हाँ, ऐसा टेबल जिसकी मदद से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, उसको हमने डिसीजन टेबल का नाम दिया था। अगर डिसीजन टेबल की बात करूँगा उसकी शक्ल कैसे नज़र आती थी, उसको हम ऐसे बनाते थे, अगर आपको याद हो। इस जगह पर हमें स्पेसिफाई करना पड़ता था क्या कंडीशंस, इस जगह हमें स्पेसिफाई करना पड़ता था एक्शंस। इसको हम कहते थे कंडीशन स्टब और इसको हम कहते थे एक्शन स्टब। यहां पर मेरे पास आती थी डेट इज कंडीशन एंट्रीज,
और इस जगह हमारे पास स्पेसिफाई होती थी एक्शन एंट्रीज। ठीक है बेटा, तो देखने वाली बात यहां पर ये आ रही है, कंडीशन स्टब हो गया, कंडीशन एंट्रीज हो गया, एक्शन स्टब हो गया, एक्शन एंट्रीज हो गया, ये चार चीजें हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है। और इस तरह के टेबल को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, इस तरह के टेबल को टेक्निकली हम लोगों ने डिसीजन टेबल का नाम दिया हुआ है। तो डिसीजन टेबल अपने में एक ऐसा टेबल है जिसकी मदद से हम फैसला करते हैं, क्या फैसला करते हैं कि डिसीजन हो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ठीक है भैया, तो ये आपको चार चीज़ें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आओ एक तरीका डायग्राम भी दिखा देते हैं आपको। ये टेबल मैंने क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां कॉलम, कंडीशंस, एक्शंस। हमने कहा तीन कंडीशन है हमारे पास और दो एक्शन है मेरे पास। एक्शन क्या है मेरे पास, ग्रांट, और दूसरा एक्शन क्या है, रिफ्यूज। कंडीशन मेरे पास क्या है, गुड क्रेडिट रेटिंग, देनदारी अच्छी है, नो आउटस्टैंडिंग लोन, प्रोवाइड सिक्योरिटी। हमने कहा किसी कस्टमर की देनदारी अच्छी होनी चाहिए, पिछला उधार नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा तो हम उस बंदे को क्या करेंगे, उस बंदे को लोन ग्रांट कर देंगे, अदरवाइज उसको लोन ग्रांट नहीं करा जाएगा, रिफ्यूज करा जाएगा। मैंने यहाँ पे बोला कि एक आदमी को अगर लोन चाहिए तो उसको तीन तरह की कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, गुड क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए, देनदारी अच्छी होनी चाहिए, प्रीवियस कोई उधार नहीं होना चाहिए, नो आउटस्टैंडिंग लोन होना चाहिए, प्रोवाइड सिक्योरिटी कर दे, प्रोवाइड गारंटी कर दे, कोई सिक्योरिटी या गारंटी प्रोवाइड कर दे, अगर ऐसा होगा तो लोन ग्रांट होगा, अन्यथा लोन ग्रांट हमारे पास नहीं होगा। समझ में आ गई बात सभी को? तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आठ कॉलम बने। सवाल उठता है सर आठ कॉलम क्यों बने, मैंने कहा बेटा फॉर्मूला होता है 2^2 नंबर ऑफ कंडीशन। 2 का मतलब क्या होता है, आंसर या तो येस में भरेगा या तो नो में भरेगा, है ना, या तो गुड क्रेडिट रेटिंग होगी या नहीं होगी, या नो आउटस्टैंडिंग लोन होगा या नो आउटस्टैंडिंग लोन नहीं होगा, इसलिए 2 का बेस हो गया। और कुल मिला के कितनी कंडीशन है हमारे पास, 3 तरह की कंडीशन है, तो 2^3 क्या बन गया मेरे पास, मैंने कहा 2^3 यहाँ पे बन गया 8 का कॉम्बिनेशन, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 8 कॉलम बना रखे। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने सबसे पहले 4 यस ले लिए, मैंने 4 नो ले लिए यहाँ पे आधे आधे, फिर मैंने यहाँ पे 2 यस कर दिए, 2 नो कर दिए, 2 यस कर दिए, 2 नो कर दिए, फिर मैंने 1 यस कर दिया, 1 नो कर दिया, 1 यस कर दिया, 1 नो कर दिया, और ये सारे सारे मैंने भर दिए। ठीक है, तो यानी पहले मैं क्या करा, आधा आधा कर दिया, 4 यस 4 नो, फिर 4 का आधा कर दिया, 2 यस 2 नो, फिर 1 का 2 का आधा कर दिया, 1 यस 1 नो, और इस तरीके से हमारे सारे के सारे कॉलम भर गए। कंडीशन क्या है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो लोन ग्रांट होगा, अदरवाइज लोन रिफ्यूज हो जाएगा। तो पहले वाले केस में देखो क्या होगा, तीनों सेटिस्फाइड है तो ग्रांट हो गया, दूसरे वाले में रिफ्यूज हो गया, तीसरे वाले में रिफ्यूज, चौथे वाले में रिफ्यूज, पांचवें वाले में रिफ्यूज, छठे वाले में रिफ्यूज, सातवें वाले में रिफ्यूज, आठवें वाले में भी रिफ्यूज। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन में ये देखा कि रिफ्यूज होने के हमारे पास 8 में से 7 कारण है और सेटिस्फाइड होने के लिए हमारे पास 8 में से 1 कारण है। तो ये मेरे पास सारी जानकारी होगी और इस तरह के टेबल को हम लोगों ने क्या नाम दिया, डिसीजन टेबल का नाम दिया। ये वो टेबल है जिसकी मदद से हम लोगों ने क्या परफॉर्म करा, डिसीजन मेकिंग को परफॉर्म करा। तो फाइनली तो फाइनली महसूस करने वाली बात यह है कि इस टेबल को टेक्निकली हमने कितने भागों में क्लासिफाइड करा, इस टेबल को हम लोगों ने टेक्निकली 4 भागों में क्लासिफाइड करा। ये हमारे पास पहला एरिया हो गया, ठीक है, ये मेरे पास आपका दूसरा एरिया हो गया, ये मेरे पास आपका क्या कहते हैं तीसरा एरिया मेरे पास हो गया, और ये मेरे पास आपका चौथा एरिया हो गया। तो ये मेरे पास कुल मिला के 4 एरिया हैं जहाँ पे टेबल को मैंने 4 भागों में आपका क्लासिफाइड कर रखा है। ठीक है जी, तो ये जानकारी डिसीजन टेबल के बारे में, थोड़ी देर का समय देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए बाकी अगर आप करना चाहें तो पॉज के द्वारा कर दीजिए, अपना नोट डाउन कर लेना। तो ये टेबल जो मेरे पास हो गया, इस टेबल को हम लोगों ने क्या नाम दिया, डिसीजन टेबल का नाम दिया, जिसकी मदद से हम फैसला कर सकते हैं। ये मेरे पास कंडीशन स्टब होता है, ये मेरे पास एक्शन स्टब होता है, ये मेरे पास कंडीशन एंट्रीज होती हैं और ये मेरे पास एक्शन एंट्रीज होती हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करा, डिसीजन टेबल को चार भागों में क्लासिफाइड करा हुआ है। कंडीशन स्टब हो गया, एक्शन स्टब हो गया, कंडीशन एंट्रीज होगी और साथ में मेरे पास एक्शन एंट्रीज होगी। तो इसी के साथ हमारे पास आपका फाइनली डिसीजन टेबल भी समाप्त हो गया। तो डिसीजन टेबल को भी हम लोगों ने यहाँ पे शांत कर दिया। तो 10 चीज़ें पढ़नी थी, 10 में से हम लोगों ने चार चीज़ों को यहाँ पे समाप्त कर दिया, चार चीज़ों को स्पेसिफाइड कर दिया। जितना बड़ा चैप्टर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उतना बड़ा चैप्टर पूरी किताब में कोई भी नहीं है। इसलिए सबसे पहला चैप्टर हमने यही लिया क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर माना गया था। ठीक है बेटा, चलो ये भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी आपकी। अब ऐसे ही हमारे पास एक टॉपिक आता है सिस्टम कॉम्पोनेंट मैट्रिक्स। सिस्टम कॉम्पोनेंट मैट्रिक्स से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है, ये देखते हैं ज़रा। हमने यहाँ पे ये बोला कि मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे रो एंड कॉलम होती हैं, है ना। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आपका एक कंपोनेंट हो गया और इधर हम लोगों ने पांच खाने बना दिए। ठीक है बेटा, अब इधर मैंने कह दिया यहाँ पे इनपुट एंटर करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग एंटर होगा, आउटपुट एंटर होगा, स्टोरेज एंटर होगा, कंट्रोल्स एंटर होंगे और मेरे पास कंपनी है, कंपनी में बड़े सारे यूज़र्स बैठे हुए हैं। जैसे मान लो मेरा ये यूज़र नंबर 1 है, यूज़र नंबर 2 है, यूज़र नंबर 3 है। तो ये डायग्राम हमें ये दर्शाएगा कि यूज़र नंबर 1 किस किस तरह के इनपुट का इस्तेमाल कर सकता है, किस किस तरह की प्रोसेसिंग कर सकता है, क्या क्या आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करेगा, प्रिंटर का इस्तेमाल करेगा, प्लॉटर का इस्तेमाल करेगा, किस तरह के डिवाइस का इस्तेमाल करेगा, स्टोरेज डिवाइस का कौन सा इस्तेमाल करेगा, हार्ड डिस्क का करेगा, फ्लॉपी डिस्क का करेगा, इंटरनल हार्ड डिस्क का करेगा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का करेगा, मैग्नेटिक टेप का करेगा, सीडी का करेगा, डीवीडी का करेगा, ठीक है, ब्लू रे डिस्क का करेगा, किस तरह के मेमोरी डिवाइस का इस्तेमाल करेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आईसी का मतलब यहाँ पे क्या, कंट्रोल्स, कंट्रोल्स का मतलब क्या हो गया मेरे पास आईसीएस, आईसीएस का मतलब क्या हो गया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एप्लीकेशन कंट्रोल है कि मेरे पास जनरल कंट्रोल है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल है, इंटरनेट कंट्रोल है कि इंटरनेट कंट्रोल है, किस तरह के कंट्रोल्स का इस्तेमाल करेगा, वो सारी बातें यहाँ पर होगी। तो यानी यूज़र के हिसाब से पूरी जानकारी दी जा रही है कि यूज़र कौन कौन से इनपुट का इस्तेमाल करेगा, क्या क्या प्रोसेसिंग करेगा, क्या क्या आउटपुट होगा, क्या क्या स्टोरेज का इस्तेमाल करेगा, क्या क्या कंट्रोल्स का इस्तेमाल करेगा, वो सारा ज्ञान होगा, सारी जानकारी होगी। अब क्योंकि ये हमारा मैट्रिक्स की फॉर्म में है, रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, सिस्टम कॉम्पोनेंट मैट्रिक्स का नाम यहाँ पे दे दिया। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आपका डायग्राम हो गया कि मेरी कंपनी के अंदर नेटवर्किंग का एनवायरनमेंट है, जहाँ पे सर्वर भी है, जहाँ पे नोड्स भी हैं। तो तरह तरह के यूज़र होंगे, तरह तरह के यूज़र क्या करेंगे, तरह तरह के अल्टीमेटली चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अब आप जानते हैं इनपुट करने के तरीके मल्टीपल हैं, कीबोर्ड के द्वारा भी कर सकते हैं, माउस के द्वारा भी कर सकते हैं, MICR, OCR, OBR, OMR, स्मार्ट कार्ड सिस्टम, ठीक है, ये शायद नाम आपने सुने होंगे, ऑप्टिकल बार रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जानकारी आपकी यहाँ पर अवेलेबल है, आईसे के मॉड्यूल में अच्छी डायग्राम बना रखा है। और जैसा कि मैंने बोला आपको, एम वलेचा नाम की किताब आपको मार्केट में परचेज करनी है, तो वहाँ पे भी अच्छा सा डायग्राम बना दिया है। तो बस आपको एक हल्का सा मैंने आइडिया दे दिया कि सिस्टम कॉम्पोनेंट मैट्रिक्स हमारे पास किस प्रकार से काम करता है। ठीक है नहीं, चलो ये भी हमारे पास यहाँ पे समाप्त हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे सिस्टम कंपोनेंट मैट्रिक्स भी समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर 10 में से 5 भाग हम लोगों ने यहाँ पे समाप्त कर दिए। अच्छा, अगली चीज़ बेटा मेरे पास क्या आती है, अगली चीज़ मेरे पास आती है सिस्टम फ्लो चार्ट। सिस्टम फ्लो चार्ट, देखो फ्लो चार्ट ना हमारे पास कई तरह के होते हैं। अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूँगा, एक का नाम होता है रन फ्लो चार्ट। अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूँगा, एक का नाम होता है प्रोग्राम फ्लो चार्ट। अगर और एक की बात करूंगा तो एक का नाम मेरे पास होता है सिस्टम फ्लो चार्ट। तो ये जो सिस्टम फ्लो चार्ट है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के फ्लो चार्ट के बारे में जानकारी देता है।
इंफॉर्मेशन सिस्टम के फ्लो चार्ट के बारे में जानकारी देता है, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, सिस्टम फ्लो चार्ट का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेमोरी डिवाइसेस के बारे में शक्ल दिखाई देगी, प्रोसेसिंग के बारे में दिखाई दे जाएगी, ठीक है, और इनपुट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, आउटपुट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, उन सब के बारे में दिखाई दी जाएगी। सर इसमें और पिछले वाले फ्लो चार्ट में क्या फ़र्क है? पिछला वाला जो फ्लो चार्ट बनाया था बेटा, वो लॉजिक्स को रेफर करता है, ठीक है, और ये जो फ्लो चार्ट है ये लॉजिक को रेफर नहीं करेगा, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के एनवायरमेंट को या इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स को रेफर करेगा। आपको एग्जांपल देता हूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या चाहिए होता है, पीछे बताया था शुरुआत की क्लास में बेटा, हमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है ना। इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो हमें हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट होता है, हमें सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होता है, और साथ ही साथ हमें आपका DBMS नाम के एनवायरमेंट का भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है जी। तो ये बड़े सारे कंपोनेंट्स सही होते हैं, हमें नेटवर्किंग का एनवायरमेंट का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, यहाँ पे यूज़र्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये बड़ी सारी चीज़ों को अगर मैं इकट्ठा करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनेगा। सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या होती है मेरे पास, सॉफ्टवेयर की परिभाषा होती है मेरे पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम की परिभाषा मेरे पास क्या होती है, प्रोग्राम की परिभाषा होती है मेरे पास डैट इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी जब आप काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस को आपस में इकट्ठा करेंगे तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, प्रोग्राम का नाम दिया। जब आप काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को आपस में इकट्ठा करेंगे तो उसको हमने क्या नाम दिया, सॉफ्टवेयर का नाम दिया। तो प्रोग्राम्स को अगर मैं इकट्ठा करूँगा तो क्या बनेगा मेरे पास, प्रोग्राम्स को अगर मैं इकट्ठा करूँगा तो सॉफ्टवेयर बनेगा, और इंस्ट्रक्शंस को अगर मैं गैदर्ड करूँगा तो क्या बनेगा, प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम का जब हम लॉजिक बना डायग्राम बनाना चाहते हैं तो उस समय हम लोगों ने क्या करा, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करा, जो पीछे मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर बड़े सारे, ये हमारे पास इनपुट आपका स्टार्ट वाला था, ये प्रोसेसिंग बॉक्स था, ये इनपुट बॉक्स था, आउटपुट बॉक्स था, ये डिसीजन टेबल था मेरे पास, ये आपकी फ्लो लाइन्स थी हमारे पास, है ना, ये हमारे पास क्रेटर का इस्तेमाल था अगर आपको याद हो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या थे, बड़े सारे आपके फ्लो चार्ट के कंपोनेंट्स थे। तो प्रोग्राम के लॉजिक को अगर आपने स्पेसिफाई करना है तो फ्लो चार्ट का आप इस्तेमाल करेंगे, और जब आप इन सभी चीज़ों को हार्डवेयर को भी दिखाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर को भी दिखाना चाहते हैं, DBMS को भी दिखाना चाहते हैं, नेटवर्किंग के एनवायरमेंट को भी दिखाना चाहते हैं, तो ये सब दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल तरह के फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है सिस्टम फ्लो चार्ट। तो सिस्टम फ्लो चार्ट का प्रयोग करेंगे तब जाके हमारे पास काम हो पाएगा, ठीक है बच्चों। तो सिस्टम फ्लो चार्ट किसको दिखाता है, सिस्टम मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के फ्लो को दर्शाएगा, इसलिए इसको टेक्निकली सिस्टम फ्लो चार्ट का नाम दिया हुआ है। और साथ ही साथ देखने वाली बात है, जब मैं प्रोग्राम के लॉजिक को स्पेसिफाई करने की बात करूंगा तो वहां पर मैं प्रोग्राम फ्लो चार्ट सॉरी वहां पर मैं फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करने की बात सोचूंगा, राइट। अब इसके भी कुछ कॉम्पोनेंट्स है बेटा हमारे पास, कॉम्पोनेंट्स ऑफ सिस्टम फ्लो चार्ट। तो इसके भी हमारे पास क्या है, आपके कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे पास, कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं ये देखते हैं जरा। कॉम्पोनेंट्स की बात करेंगे हमारे पास, इसमें सबसे पहली शक्ल एक इस तरीके से आती है, ये डब्बा हमारे इनपुट डॉक्यूमेंट को रेफर करता है और आउटपुट डॉक्यूमेंट को रेफर करता है, इसको कायदे से सोर्स डॉक्यूमेंट का नाम भी दिया हुआ है। इनपुट डॉक्यूमेंट कह लीजिए या सोर्स डॉक्यूमेंट कह लीजिए, एक ही बात है, और ये हमारा आउटपुट के काम भी आता है, ठीक है नहीं। ऐसी मेरे पास एक शक्ल ये आती है, ये मैनुअल ऑपरेशंस को दर्शाता है, काम हमने हाथ से करा है या इलेक्ट्रॉनिकली करा है, तो ये मैनुअल ऑपरेशंस को दर्शाता है, जो ये बताता है कि जो भी हमने काम करा है वो सारा का सारा हाथ से काम करा है, तो मैनुअल शक्ल हमारे पास ये होती है। ऐसी शक्ल मेरे पास एक ये वाली होती है जिसको हमें सेमी मैनुअल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। सेमी मैनुअल का मतलब क्या होता है,
इसका बेस्ट एग्जांपल मेरे पास क्या है, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में आपका काम हाथ से भी होता है प्लस मशीन भी करती है, तो उसको हमने सेमी मैनुअल का नाम यहाँ पे दिया होगा। ऐसे ही मेरे पास रेक्टेंगल शेप बॉक्स होता है जिसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, प्रोसेसिंग बॉक्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये प्रोसेसिंग बॉक्स हो गया मेरे पास, जो कि हमें दर्शाता है कि प्रोसेसिंग किस प्रकार से, किस तरीके से परफॉर्म करी जाती है। तो उसको टेक्निकली हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेसिंग बॉक्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मेरे पास एक शक्ल मेमोरी डिवाइस किस तरीके से होती है, इसको हम लोगों ने फ्लॉपी डिस्क का नाम दिया हुआ है। ये हमारे पास एक मेमोरी डिवाइस है जिसको हम लोगों ने मैग्नेटिक टेप का नाम दिया है। यहाँ पे डेटा जो भी सेव्ड होता है सीक्वेंशली होता है, यहाँ पे डेटा जो भी सेव होता है रैंडमली होता है, कम इस्तेमाल होता है या कंपनीज में इस्तेमाल होता है। फ्लॉपी का इस्तेमाल तो ख़त्म ही हो गया, वैनिश हो गया मार्केट से। फ्लॉपी डिस्क पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती थी, पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस था जिसमें रैंडमली आप डेटा सेव करते थे, कोई सीक्वेंस कोई रिवाइंड फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं था। और ऐसे ही आप जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क होती है, तो हार्ड डिस्क की शक्ल हमारे पास इस प्रकार से देखी गई है। तो ये शक्ल मेरे पास आपकी हार्ड डिस्क की है, ठीक है। नोड, नेटवर्किंग में हमारे पास नोड होते हैं, नोड को हम लोगों ने टर्मिनल्स का नाम भी दिया हुआ है। तो टर्मिनल्स की शक्ल हमारे पास इस प्रकार से होती है, ठीक है। इंक्वायरी करता है कोई, तो इंक्वायरी का डब्बा मेरे पास इस तरीके से है, इंक्वायरी की शक्ल मेरे पास इस प्रकार से है। तो बेटा ये सारे के सारे मेरे पास क्या है, दीज ऑल आर द कॉम्पोनेंट्स। किसके कॉम्पोनेंट्स हैं मेरे पास, सीधा आपके फ्लो चार्ट के कॉम्पोनेंट्स हैं। और किस फ्लो चार्ट के कॉम्पोनेंट्स हैं, मैंने कहा सिस्टम फ्लो चार्ट के कॉम्पोनेंट्स हैं। इनपुट का डब्बा हो गया, मैनुअल ऑपरेशंस मेरे पास हो गया, सेमी मैनुअल डब्बा मेरे पास हो गया, प्रोसेसिंग बॉक्स नाम का डब्बा मेरे पास हो गया, मेमोरी डिवाइस फ्लॉपी डिस्क का डब्बा हो गया, मैग्नेटिक टेप नाम का डब्बा हो गया जहाँ पे सीक्वेंशली सेव्ड होता है, और हार्ड डिस्क होगी। और आप जानते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर भी जो डेटा सेव्ड होता है वो सारा का सारा रैंडमली होता है। तो उसकी शक्ल भी आपकी इस प्रकार से, इस तरीके से आपकी दिखाई जाएगी। टर्मिनल यानी नोड कहते हैं जिसको हम, नेटवर्किंग का जो पार्ट होता है जहाँ पे यूज़र काम करता है, उसकी शक्ल ऐसी होती है। और जब भी हमें इंक्वायरी को फॉर्म करना है तो इंक्वायरी की शक्ल हमारे पास इस प्रकार से फॉर्म करी जाती है, इस तरीके से आपकी बनाई जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, सारी जानकारी होगी जिसको हम लोगों ने डिस्कस करा, समझा और देखा कि सिस्टम फ्लो चार्ट के कॉम्पोनेंट्स हमारे पास क्या क्या होते हैं। और इसी के साथ सिस्टम फ्लो चार्ट फाइनली मेरा यहाँ पर शांत होता है, समाप्त होता है। तो हमने यहाँ पे साफ बता दिया कि ये अपने में एक ग्राफिक टूल है जो कम्युनिकेट करता है, क्या कम्युनिकेट करता है, फ्लो ऑफ डेटा को कम्युनिकेट करता है। मीडियम मतलब क्या, मेमोरी डिवाइसेस, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, और प्रोसेसिंग नाम का डब्बा होता है जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग हमारे पास की जाती है, ठीक है भैया। तरह तरह के सिंबल्स का यहाँ पे परफॉर्म करा जाता है जो कि एरो के द्वारा आपस में कनेक्ट करे जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम मेमोरी डिवाइसेस के डायग्राम को भी इंडिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रोसेसिंग्स हो सकती हैं उसको भी रेफर करते हैं। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, एक ग्राफिक मॉडल है। किसका मॉडल है, ग्राफिक मॉडल हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम का। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिस्टम के एग्जाम्पल्स क्या थे अगर आपको याद हो, TPS हो गया, MIS हो गया, DSS हो गया, EIS हो गया, कुछ याद आ रहा है? TPS हो गया, MIS हो गया, DSS हो गया, EIS हो गया, कोर बैंकिंग सिस्टम हो गया, ERP का हो गया सिस्टम। तो वो सारी जानकारी हमारी किस कैटेगरी में आ गई है, सिस्टम फ्लो चार्ट की कैटेगरी में आ गई है। तो इसी के साथ ही सिस्टम फ्लो चार्ट भी टॉपिक हमारा फाइनली समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात ये है कि 10 टॉपिक थे हमारे पास, 10 में से हम लोगों ने यहाँ पर आज की डेट में 6 टॉपिक यहाँ पे समाप्त कर दिए। डाटा डिक्शनरी समाप्त हो गया, फ्लो चार्ट समाप्त हो गया, सिस्टम फ्लो चार्ट समाप्त हो गया, डिसेंट टेबल समाप्त हो गया, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश या सूडो कोड्स का टॉपिक भी समाप्त हो गया, और हमारे पास सिस्टम कॉम्पोनेंट मैट्रिक्स भी समाप्त हो गया, ठीक है जी। ऐसे ही बेटा हमारे पास क्या आता है, आपका DFD आता है, डेटा फ्लो डायग्राम्स हमारे पास आता है। और डेटा फ्लो डायग्राम्स की बात करेंगे तो इसके अंदर भी मेरे पास चार प्रकार के सिंबल्स होते हैं, जिसमें एक का नाम पहला सिक्योर होता है, जो कि आपके सोर्स एरिया और डेस्टिनेशन एरिया को रेफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डब्बों को डब्बे से अटैच करना है तो एरो का इस्तेमाल होगा। प्रोसेसिंग हमने आज से पहले रेक्टेंगल शेप की बॉक्स में देखा था, अभी जो प्रोसेसिंग आ रही है वो सर्कल की शेप में आ रही है। और जब मैं किसी डेटाबेस को दिखाना चाहता हूँ तो डेटाबेस मेरा ओपन रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे किस किस का इस्तेमाल करा, सिक्योर का इस्तेमाल करा,
हम लोगों ने एरो का इस्तेमाल करा, प्रोसेसिंग के लिए सर्कल का इस्तेमाल करा, और किसी फाइल को, जैसे मान लो मैंने कहा ये एम्प्लॉय नाम की फाइल है, एम्प्लॉय नाम का टेबल है, तो उसको मैंने इस ओपन रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखाया, तो इस चीज़ को हम लोगों ने क्या नाम दिया, DFD का नाम दिया, डेटा फ्लो डायग्राम का नाम यहाँ पे दे दिया। ठीक है बच्चों, तो ये जब मैं चार तरह के सिंबल का इस्तेमाल करूँगा तो ये डेटा फ्लो डायग्राम बन जाएगा, DFD मेरे पास बन जाएगा। तो ये भी मेरे पास क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, किसके, फ्लो ऑफ डेटा की। तो इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ डेटा, और उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स का प्रयोग करना पड़ेगा, ये सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास यहाँ पे काम हो पाएगा। ठीक है, आइए एक हल्का सा डायग्राम देखते हैं हम यहाँ पे। हमने कहा जी कस्टमर ने डेटा फीड करा, कस्टमर ने डेटा फीड करा, सामान बिका, पहला प्रोसेसिंग हुआ, फिर दूसरा प्रोसेसिंग हुआ, और फिर ये जानकारी हमारे कंपनी के मैनेजर के पास चली गई। तो ये सोर्स हो गया मेरे पास, ये डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है नहीं, ये प्रोसेसिंग वन हो गया, ये प्रोसेसिंग टू हो गया। मैंने कहा जी ये मेरे पास एक फाइल है, ये मेरे पास एक दूसरी फाइल है, इस वाली फाइल को, इस वाले टेबल को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इस वाली फाइल को, इस वाले टेबल को मैंने आइटम नाम की टेबल का नाम दे दिया। ठीक है जी, कस्टमर ने डेटा फीड करा, तो कस्टमर ने डेटा क्या फीड करा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कस्टमर को माल भेजा तो हम क्या क्या डेटा डालेंगे, एक तो बिल नंबर डलेगा, और एक हमने कौन सा आइटम कोड बेचा, किस कस्टमर को बेचा, और कितना माल बेचा। ठीक है, मान लो बिल नंबर मेरे पास क्या, बिल नंबर मेरे पास क्या है, बिल नंबर है B01, आइटम कोड बेचा I01, कस्टमर को बेचा C05, कितना बेचा, 5 बेचा। सबसे पहले मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा कि भैया क्या जो आइटम मैं बेच रहा हूँ, क्या वो आइटम मेरी आइटम नाम की फाइल में सर्वाइव करती है कि नहीं करती। मान लो मैंने कुछ ऐसा आइटम कोड लिख दिया जो कि आइटम नाम की फाइल में सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा, तो बदले में क्या मिलेगा, एरर मैसेज मिलेगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि हमने कस्टमर कोड भी डाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमर नाम की फाइल में से वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कंपनी का रूल था, मेरी कंपनी का प्रिंसिपल था कि भैया कस्टमर पहले हमारा रजिस्टर्ड मेंबर होगा, जब वो रजिस्टर्ड मेंबर होगा तब उसको हम माल बेचेंगे। ऐसे कोई मुंह उठा के हमारे पास आ जाएगा कि सर मेरे को सामान खरीदना है, तो हम उसको सामान नहीं बेच पाएंगे, पहले उसको मेंबर बनना पड़ेगा, ऑथराइज्ड मेंबर बनना पड़ेगा, ऑथराइज्ड मेंबर बनेगा तभी जाकर हम उसको सामान बेच पाएंगे। तो मैंने दो चीज़ें वेरीफाई कर ली, यहाँ से आइटम कोड को वेरीफाई कर लिया कि आइटम कोड नाम की इन्फॉर्मेशन मेरी आइटम नाम के टेबल में है या नहीं है, और प्लस मैंने यहाँ पे कस्टमर कोड को भी वेरीफाई कर लिया कि कस्टमर कोड या कस्टमर नाम की फाइल में अवेलेबल है कि नहीं है। चलो दोनों चीज़ें मेरे पास मिल गई, अब क्या करना पड़ेगा, हमें माल बेचना पड़ेगा। माल बेचने का मतलब क्या है, क्वांटिटी सोल्ड करना पड़ेगा। अच्छा, आप हमेशा जानते हैं कि माल तभी बिकता है जब हम उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, क्वांटिटी ऑन हैंड के साथ, है ना। तो इधर मैंने यहाँ पे क्या करा, इस प्रोसेसिंग में मैंने यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड को कंपेयर कर लिया, क्या मेरा जो क्वांटिटी सोल्ड है वो क्वांटिटी ऑन हैंड से कम है या नहीं है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। तो यानी यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी सोल्ड का कंपैरिजन भी यहाँ पर हो गया। यहाँ पे आइटम कोड को कंपेयर करा था, यहाँ पे कस्टमर कोड को कंपेयर करा था, और यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड को कंपेयर कर लिया कि मेरा जो क्वांटिटी ऑन हैंड है वो क्वांटिटी सोल्ड है मेरे क्वांटिटी ऑन हैंड से कम होना चाहिए। ठीक है भैया, तो मान लो हमारे पास कितना माल बेचना था, हमें 5 बेचना था, और हाथ में माल कितना पड़ा था, 40, तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सर अब हमें 40 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, बैलेंस बच जाएगा मेरे पास आपका 35। तो अब ये इसने क्या करा, इसने सीधा अपडेशन कर दी, इस वाले एरो ने क्या कर दिया, इस वाले एरो ने सीधा स्टॉक अपडेशन कर दिया। और स्टॉक अपडेशन से क्या मतलब होता है, स्टॉक अपडेशन से मतलब होता है कि क्वांटिटी ऑन हैंड में से क्वांटिटी सोल्ड को माइनस कर दिया। ठीक है, इसने क्या करा था, हमने कहा था इसने वेरिफिकेशन करी थी, वेरिफिकेशन परफॉर्म करी थी कि आइटम कोड मैच करता है कि नहीं करता, कस्टमर कोड मैच करता है कि नहीं करता, क्वांटिटी सोल्ड हमारा लेस देन इक्वल टू क्वांटिटी ऑन हैंड है कि नहीं है, ये सारी बातें हमने मैच करी। तो ये हो गया प्रोसेसिंग नंबर 1, ये हो गया प्रोसेसिंग नंबर 2, और फाइनली जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सीधा मैनेजर के पास चलेगी।
तो मैंने एक छोटा सा इन्वेंटरी का डीएफडी दिखा दिया कि डीएफडी क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है। कस्टमर से इन्फॉर्मेशन फीड करा गया और मैनेजर के पास इन्फॉर्मेशन भेजा गया, बीच में कई तरह की क्रॉस वेरिफिकेशंस करी गई, बीच में कई तरह का स्टॉक अपडेशन करा गया जो कि आइटम नाम के टेबल और कस्टमर नाम के टेबल से करा गया है, जहां पर हम लोगों ने ओपन रेक्टेंगल का इस्तेमाल करा है। तो ये सारे काम हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म कर दिए। तो बेटा ये मेरा जो क्रिया है, ये जो मेरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया, डीएफडी का नाम दिया, जिसका मतलब क्या है, डीएफडी का मतलब है डेटा फ्लो डायग्राम्स। ठीक है भैया, डेटा फ्लो डायग्राम, इसको हमने डीएफडी का नाम दिया, डेटा फ्लो डायग्राम्स का नाम दिया, जहां पे चार कंपोनेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, सोर्स आ रहा है, डेस्टिनेशन आ रहा है, प्रोसेसिंग वन आ रही है, प्रोसेसिंग टू आ रही है, ये सारी की सारी चीजें मेरे पास आ रही है। और इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डेटा फ्लो डायग्राम का नाम दिया है। इन्वेंट्री सिस्टम छोटा होता है कि बड़ा होता है? सर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो कई बार क्या होता है, पहले एक डीएफडी बनता है, फिर उसका सब पार्ट बनता है, फिर उसका सब पार्ट बनता है, फिर उसका सब पार्ट बनता है, और ऐसे सब पार्ट हमारे बनते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो डीएफडी हमारा सबसे पहले बड़ा होता है, फिर उसका छोटा पार्ट बनता है, फिर उसका छोटा पार्ट बनता है, फिर उसका छोटा पार्ट बनता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मेरे पास, ठीक है जी, तो अगला साफ कह रहा है कि डीएफडी को हम लोगों ने सब डिवाइड करा इनटू लोअर लेवल्स में, और जो मेरे पास हायर लेवल होता है, जो सबसे ऊपर टॉप लेवल होता है, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। यानी इस डेफिनेशन में आपको ये बताया जा रहा है कि जो सबसे पहला डीएफडी बनता है, जो कि टॉप मोस्ट डीएफडी होता है, उसको हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट डीएफडी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो हायर लेवल का डीएफडी होता है, हायर लेवल का डेटा फ्लो डायग्राम होता है, दैट इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डीएफडी की बात करेंगे तो डीएफडी का फुल फॉर्म डेटा फ्लो डायग्राम हो गया, जहां पे चार तरह के कॉम्पोनेंट्स हैं, और बड़े वाले को हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का नाम यहाँ पे दे दिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी के साथ आपका डीएफडी भी फाइनली यहाँ पर समाप्त हो गया। तो यानी हम लोगों ने यहाँ पे कितने पार्ट समाप्त कर दिए, यहाँ पे हम लोगों ने 7 पार्ट यहाँ पे समाप्त कर दिए। डिसीजन ट्री बिल्कुल बेकार की चीज़ है, सिंपल सी बात कर रहा है, यहाँ पे एक डायग्राम बनेगा, ट्री की फॉर्म में बनेगा। ट्री कौन सा होगा मेरे पास, इन्वर्टेड ट्री होगा, उल्टा पेड़ होगा, और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। और इस वाले डायग्राम को हम लोगों ने क्या नाम दिया, डिसीजन ट्री का नाम यहाँ पे दे दिया। तो कह रहे हैं जहाँ पे हायरार्की की फॉर्म में आप फैसला करते हैं, जहाँ पे हायरार्की की फॉर्म में आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, उस चीज़ को टेक्निकल को हमने क्या नाम दिया, डिसीजन ट्री का नाम दिया। तो जहाँ पर इन्वर्टेड ट्री होता है, इन्वर्टेड ट्री बेटा उल्टा पेड़, ये उल्टा पेड़ है मेरे पास, ठीक है, ये उल्टा पेड़ है, इसको मैं रूट्स का नाम दूंगा। नॉर्मली रूट जमीन के नीचे होती है, बट जब मैंने पेड़ को उल्टा लटका दिया तो ये हमारी जो रूट्स हैं, जड़ें जो है हमारी ऊपर होगी, टॉप मोस्ट में होगी, और ये उसके सब पार्ट बन गए। तो जब हम फैसला इस तरीके से करते हैं, इस हायरार्की की डायग्राम में करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्या नाम दिया, सीधा डिसीजन ट्री का नाम यहाँ पे दे दिया। और इसी के साथ डिसीजन ट्री नाम का टॉपिक भी फाइनली समाप्त हो गया। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात यह है कि मैंने 10 में से आपके 8 टॉपिक यहाँ पे फाइनली समाप्त कर दिए। 2 टॉपिक्स रह गए हैं, जिसमें एक का नाम केस टूल है और एक का नाम यहाँ पे लेआउट फॉर्म एंड रिकॉर्ड्स है। उसके बाद आपको सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स के नाम से पूरा सवाल समाप्त हो जाएगा। और एग्जाम में जब भी कभी सवाल आएगा तो वो कह देंगे कोई 5 सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स के बारे में जानकारी दीजिए, या डेटा डिक्शनरी के ऊपर तो बहुत बार सवाल आपके एग्जाम में आया भी हुआ है, स्ट्रेट अवे कह देंगे डेटा डिक्शनरी के बारे में स्पेसिफाइड करिए, 4 नंबर का सवाल, और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डीएफडी के बारे में जानकारी आ जाएगी, तो ऐसे आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब बाकी के 2 टूल्स क्या होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो मेरे को प्रोसेसिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जितने मिनट का लेक्चर होता है उतने मिनट मेरे को उसके 2 गुना मेरे को काम करना पड़ता है इसको यूट्यूब में अपलोड करने के लिए। तो इसलिए इस लेक्चर को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है जी। और बाकी अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन, ताकि उनका भी भला हो सके, आपका भी भला हो सके। और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।